ओके सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है कंस्ट्रेंड मोशन पर। हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। यू माइट रिमेम्बर के पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक आइडियाज डिस्कस किए रिगार्डिंग दी पुली सिस्टम या रिगार्डिंग ब्लॉक एंड स्ट्रिंग अरेंजमेंट कंसिडरिंग दी कंस्ट्रेंड कंडीशंस। आपको याद होगा कि मैंने दो तीन सिंप्लीफाइड कंडीशंस आपके सामने रखी थी। उसमें से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि एक पुली है और इस पुली के साथ अगर हम एक मास अटैच कर दें, से मास ए, और एक दूसरा मास इसके साथ अटैच कर दें, से मास बी, और अगर हम ये मानते हैं कि ये पुली भी मूव कर रही है विद सर्टन वेलोसिटी, लेट से वीपी, और ये दोनों मासेस भी अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी वी ए एंड लेट्स से इट इज गोइंग डाउन विद सर्टेन वेलोसिटी वी बी। तो हमने इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेवलप किया था जिसमें हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये सारा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस यूज किया जाएगा कि जब जब वेलोसिटीज हम डाउन डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू पुटअप करेंगे और जब जब हम वेलोसिटी की वैल्यूज को अपवर्ड कंसिडर करते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यूज को पुटअप करेंगे। कुछ याद आ रहा है ये चीज? पिछले लेक्चर में हमने ये कवर किया था। यस यस सर, अब यस इस सर, चीज को हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंसिडर वेलोसिटी ऑफ पुली ना कंसिडर करते हुए डिस्टेंस मूव्ड बाय पुली। अब ये पुली अगर कुछ सर्टन वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो श्योरली ये कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ डिस्टेंस मूव करेगी और ब्लॉक ए और बी भी अपने अपने रेफरेंस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव कर जाएंगे। तो इनके डिस्टेंस मूव्ड के बीच में भी हम ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसकी डेरिवेशन में हमको और ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय दी पुली इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक ए प्लस डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक बी डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल जैसे वेलोसिटी लिखी है वैसे हम उसके डिस्टेंसेस या उसके डिस्प्लेसमेंट्स को मेंशन करेंगे। ऑफ कोर्स ये भी साइन कन्वेंशंस के साथ होंगे। जो डिस्टेंस हम डाउन डायरेक्शन में मेजर करेंगे हम उनको नेगेटिव लेंगे और जो डिस्टेंस हम अप डायरेक्शन में मेजर करेंगे हम उन्हें पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को हम एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। वी नो दैट के ये इस तरीके के जो मोशन होते हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटीज के साथ नहीं होते हैं। अक्सर मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसमें जरूर डेवलप होता है बिकॉज कंस्ट्रेंट कंडीशन आ जाती है और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रेफरेंस में जब मूव कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसमें डेवलप हो जाता है। तो अगर पुली का एक्सेलरेशन ए पी है तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो दो एडिशनल फॉर्मूले हमने लिखे हैं बस ये काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन है। इसके लिए हमको पूरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हम इसे एज इट इज गिवन सिचुएशन में आसानी से याद रख सकते हैं और हमें इसे याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त हम देखेंगे कि ये कंडीशंस हम यूज करते हैं। अब ये तो वो सारी बातें हो गई जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कुछ बेसिक्स। आज के लेक्चर में हम कुछ और नई टेक्निक्स कुछ और नए सिंप्लीफिकेशंस इसमें ऐड करेंगे इसमें जोड़ेंगे इस सीक्वेंस में और कंस्ट्रेंट कंडीशन को ही हम और ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कंस्ट्रेंट कंडीशन को समझने के लिए बेटर सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हैंडल करें। तो आज भी हम कुछ एग्जाम्पल्स हैंडल करते हैं और उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी एंड ब्लॉक बी इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमको यहाँ दिया जा रहा है। सी दिस, तो पहले ये वाला अरेंजमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। अब ये देखने में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमको। इसमें हमारे पास एक साथ तीन तीन पुलीज हैं। वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स
वन ऑफ द ब्लॉक इज मूविंग अप, अनदर इज डाउन, और बी ये क्या करेगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा, कैसे जाएगा, हमें ये पता नहीं है। हमें पता करना है कि ब्लॉक सी का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में सी और बी दोनों बोला है, आगे और मैं एग्जांपल्स पुट अप करूंगा तो शायद उसमें बी रहेगा। फिलहाल तो इस प्रॉब्लम में तो सी निकालना है हमको, सी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला बेसिस पे या मेथोडोलॉजिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस और ये सारी चीजें लेते हुए, तो ये प्रॉब्लम काफी टफ हो जाएगा। हमको फिर एक बार फंडामेंटल्स की तरफ आना है और बेसिक बात ये समझनी है कि कंस्ट्रेंट कंडीशन में जो स्ट्रिंग होती है वो कितने भी पुलिस के थ्रू होके निकले उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, तो जितना भी आप लेंथ यहां पे कंसिडर करते हो, जो भी लेंथ आप यहां पे कंसिडर करते हो, याद रखना है कि वो लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई सेगमेंट, अब जैसे ये वाला सेगमेंट ब्लॉक ए को अटैच होने वाला सेगमेंट, चूंकि ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है तो ये सेगमेंट अपनी लेंथ में डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्लॉक बी नीचे जा रहा है तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट अपनी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। अब अकॉर्डिंगली अगर ब्लॉक सी भी मान लो नीचे जाता है तो ये वाला लेंथ भी अपनी सेगमेंट में इंक्रीज हो जाएगा। तो सेगमेंट्स की लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है, एक साइड में अगर डिक्रीज हुआ तो दूसरे साइड में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव होके आप देखोगे कि टोटल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगी, लेंथ में कोई एलोंगेशन या कोई एक्सटेंशन या कोई चेंज नहीं आएगा। सेगमेंट बाय सेगमेंट हल्का फुल्का प्लस माइनस हो सकता है। तो अब हमें यह समझना है कि हम एक इजिएस्ट अप्रोच में इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे एक बात आप नोटिस करें कि दो यहां पे तीन तीन अलग पुलीज अटैच हैं, ठीक है ना, देर आर थ्री डिफरेंट पुलीज अटैच्ड विद थ्री डिफरेंट मासेस। स्ट्रिंग जो है एक सिंगल है, सिंगल स्ट्रिंग ही पास हो रहा है सभी साइड से, देखो सभी तरफ से एक ही स्ट्रिंग पास हो रहा है, सही है? यस, स्ट्रिंग कहीं ब्रेक होके दूसरा धागा, दूसरा स्ट्रिंग, दूसरा अटैचमेंट नहीं किया गया, एक ही स्ट्रिंग अलग अलग जगहों से अलग अलग पुलिस से पास हो रहा है और इन सारी अरेंजमेंट को इसने जोड़ रखा है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आते हैं जिसमें एक ही सिंगल स्ट्रिंग यूज हो रहा है, ठीक है, हालांकि वो अलग 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 स्ट्रिंग सॉरी अलग अलग पुलिस से पास जरूर हो रहा होगा लेकिन वो सिंगल स्ट्रिंग है, तो हम एक इजी मेथड यहां पे अप्लाई करते हैं, उस मेथड का नाम है पॉइंट मेथड। ठीक है, ये ऐसे ही रखा हुआ नाम है, कोई ऐसा बुकिश लेबल नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही हमने इसको कॉल कर दिया भाई पॉइंट मेथड। अब आइए समझते हैं कि पॉइंट मेथड क्या है। तो हम क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग जहां जहां कॉन्टेक्ट में आती है, चाहे पुली के साथ चाहे मासिस के साथ, वहां पे हम कुछ पॉइंट्स लगाएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट यहां लगेगा, देखिए मैं ब्लू कलर के डॉट्स लगा रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट यहां लगेगा, फिर यहां दूसरा पॉइंट लगेगा, फिर यहां तीसरा, फिर यहां चौथा, यहां पे फिफ्थ वन, यहां पे सिक्स्थ वन, यहां पे सेवेंथ वन और यहां पे एट्थ वन। तो टोटल एट पॉइंट्स आ गए यहां पर। अब पॉइंट टू पॉइंट हमने सोचते जाना है, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से देखें कि ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहेगा या नीचे जाएगा। यस, ऊपर ऊपर जाएगा, वेरी गुड, मतलब ये लेंथ को शॉर्ट, ऊपर हाँ ये लेंथ को शॉर्ट कर रहा है ना, बाकी किसी भी पॉइंट के बारे में नहीं सोचना आपने। ये एक ट्रिकी, एक ट्रिक मेथड है ये, एक्चुअली एक ये ट्रिक है बेसिकली सॉल्व करने के लिए। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे तो बाकी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचना है, तो हम बस इस पॉइंट के रेफर करते हुए देखेंगे कि ये पॉइंट ऊपर खिसक रहा है, मतलब ये इस सेगमेंट की लेंथ को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कम कर रहा है इसको, करेक्ट है? यस, तो ऐसा पॉइंट जो सेगमेंटल लेंथ को डिक्रीज कराने की कोशिश करता है उसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। तो हम इस पॉइंट को रेफर करते हुए लिखेंगे माइनस टू। अब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, ये वाला पॉइंट कहीं भी नहीं जा रहा है बिकॉज ये पुली के साथ है। अब आप ऐसे नहीं सोचेंगे सर ये ऐसे घूम के पुली के ऊपर जाएगा, वैसे नहीं सोचना, स्ट्रिंग के मोशन को यहां पे दिमाग में नहीं लाना, बस खाली पॉइंट का रेफरेंस बना के सोचना कि ये पॉइंट कहीं जा रहा है क्या। तो ये कहीं नहीं जा रहा बिकॉज इट इज विद द फिक्स पुली, करेक्ट हो गई बात, ये फिक्स पुली पे है। सर नो,
ठीक है, तो मैं फिर दोहराता हूँ, ऐसे नहीं सोचना है कि ये पॉइंट ऐसे स्ट्रिंग पुली के ऊपर से रोल करके दूसरी साइड, वैसे नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि ये पॉइंट अपनी लेंथ के हिसाब से ऊपर या नीचे कहीं जाने वाला है क्या। तो कहीं भी नहीं जा रहा, ये पॉइंट बस पुली के साथ है और ये पुली चूंकि फिक्स है इसलिए पॉइंट भी फिक्स है। तो इस पॉइंट के लिए हमारा रेफरेंस बनेगा जीरो, कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास, जीरो, दैट्स इट। बात समझ रहे बेटा? यस अच्छा, आप उस लॉजिक पर बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है। यस, कुछ वेलोसिटी देनी है उसको? नहीं नहीं, वेरी गुड। तो नो उसके लिए भी हम लिखेंगे जीरो, क्योंकि ये भी पुली के साथ अटैच है, पुली के साथ फिक्स्ड है, ये भी पुली का रेफरेंस पॉइंट है, तो ये कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, अब ये वाले पॉइंट पे आते हैं। अब ये वाला पॉइंट इस पुली के साथ अटैच है, लेकिन ये पुली बी के साथ अटैच है और ये बी नीचे जा रहा है, मतलब ये पुली नीचे जा रही है, करेक्ट है? कि यस यस ये पॉइंट अगर नीचे जाता है तो ये इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है या डिक्रीज करा रहा है? इंक्रीज इंक्रीज करा रहा है। वेरी गुड, इंक्रीज करा रहा है तो इंक्रीज पॉजिटिव लेंगे, इंक्रीज करा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज करा रहा है तो नेगेटिव लेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट ऊपर खिसकने का एक्सपेक्टेड था, ये इस सेगमेंट की लेंथ को शॉर्ट करने वाला था, इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। अब ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है ड्यू टू ब्लॉक बी, तो ये इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कराने की टेंडेंसी में है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे +6। बात समझ आई बेटा? अब इसको इसके लिए बोलो, ये वाले पॉइंट के लिए बोलो, ये भी इस पुली के साथ है, पुली बी के साथ है और बी जा रहा है नीचे। +6 वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये हो गया +6। फिर बताओ इस पॉइंट का क्या है? जीरो, जीरो जीरो, वेरी गुड, जीरो वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो, बिकॉज दिस इज विद अ फिक्स पुली। इस पॉइंट का क्या है? जीरो 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 वेरी गुड। अब लास्ट में, जीरो लास्ट में आ जाता है पॉइंट विथ वेलोसिटी ऑफ सी, तो ये हो गया वेलोसिटी सी। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये क्या है, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो हमने बस बोल दिया प्लस सी। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये सब मिला के आप इक्वल टू करोगे जीरो को। क्यों? रीजन इसका बड़ा सिंपल है, क्योंकि ओवरऑल लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कुछ चीजें ऊपर जा रही हैं, कुछ चीजें नीचे आ रही हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो सब मिला के जीरो बोल देना, पॉजिटिव नेगेटिव का रेफरेंस बनाएंगे। समझ आई बात? तो पॉइंट यस सर, ये कि यस स्ट्रिंग जहां जहां अटैच है, जहां जहां स्ट्रिंग टच कर रही है, जहां जहां स्ट्रिंग ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है या पुली के साथ कनेक्टेड है, वहां पे आपने पॉइंट लगाना है और पॉइंट लगा के देखना है कि वो पॉइंट एक्सपेक्टेड मोशन कहाँ है उसका। अगर वो लेंथ को शॉर्ट करने वाला है तो नेगेटिव वैल्यूज के साथ उसको यूज करेंगे, और अगर वो लेंथ को इंक्रीज कराने वाला है तो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ उसको यूज करेंगे, और सबका एंड वैल्यू लिखेंगे जीरो, इक्वल टू जीरो। बस अब इसे सॉल्व करें तो देखें, ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12 में से ये हम करेंगे -2, यानी कि 10, 10 ऑन द अदर साइड ले लें आप, तो बिल्कुल इजीली आपको आंसर मिलेगा VC इज इक्वल टू -10। करेक्ट हो गई बात? यस अब -10 का मतलब समझ रहे हो क्या है? -10 का मतलब ये है कि ये पॉइंट ऊपर जाने वाला है, ये लेंथ को शॉर्ट करेगा, समझे बात को? यहां यस पर लेंथ को सर शॉर्ट करने पर हम उसको माइनस लेते हैं और लेंथ को इंक्रीज करने पर हम उसको प्लस लेते हैं। याद रखिए, यहां पर वो कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज नहीं हो रही है कि ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। पॉइंट मेथड के लिए दो तीन बातें आप दिमाग में बिठाएं। नंबर वन, एक सिंगल स्ट्रिंग जब तक कंटिन्यूटी में चल रही है तो आप पॉइंट मेथड लगा सकते हैं। नंबर टू, पॉइंट मेथड के लिए जहां जहां भी स्ट्रिंग कनेक्ट की जाती है वहां पे पॉइंट लगाएं। नंबर थ्री, हर पॉइंट के मोशन को ट्रेस करें, अगर वो उस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज करा रहा है तो उसकी वैल्यू को नेगेटिव लें, और अगर वो सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लें। दैट्स इट। आ गया बच्चे समझ में? यस अच्छा अब आइए इसी चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है?
अब देखो देखने में कितने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ना प्रॉब्लम, ये ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम है कैसे हैंडल कर पाएंगे हम इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तो इजीली हैंडल किया जाएगा कुछ बेसिक बेसिक बातें, लेकिन आपने पहले चेक करनी है। जैसे सबसे पहले आपने ये देखनी है कि सिंगल स्ट्रिंग है कि नहीं, अगर सिंगल स्ट्रिंग है फिर वो कितने भी पुलिस के पास से जाए, कितने भी ब्लॉक अटैच किए जाएं, कैसे भी ऊपर नीचे वाला उसका अरेंजमेंट हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आपने यहाँ पे पॉइंट मेथड अप्लाई कर देना है। यस, अभी किसी ने क्वेश्चन किया सर हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पॉइंट मेथड, मैं वही बता रहा था आपको, सिंगल स्ट्रिंग अगर कनेक्टेड है तो आप उसको पॉइंट मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रिंग ब्रेक होके दो पार्ट में आ गई तो पॉइंट मेथड पूरे सिस्टम पर नहीं लगा सकते, कुछ पोर्शन पे लगाया जा सकता है जब तक हम एक सिंगल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अब आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे भी हम कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और आपने मुझे बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है। तो ये इधर एक आ गया पॉइंट, इधर आ गया दो, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और फाइनली ये टेंथ। अब ये तो मान लो फिक्स ही है, चलो इसमें कोई मसला नहीं। अब बी कहाँ जाएगा हमें पता नहीं, बी ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। अब टेक्निकली देखा जाए, लॉजिकली सोचा जाए, तो अगर ए नीचे जा रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि बी ऊपर जाए। लेट्स सी, सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या वेलोसिटी लिखे इसकी। ये मूव कर रहा है फोर के साथ तो ये जा रहा है नीचे, हाँ वेरी गुड, ये जा रहा है नीचे। नीचे जाने का मतलब ये है कि ये इस सेगमेंट को इंक्रीज करा रहा है। अब यहां नीचे जाना कन्वेंशनल ऐसे नहीं मानना निगेटिव, नो, पॉइंट मेथड में आपने ये सोचना है कि सेगमेंट की लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है। अगर सेगमेंट की लेंथ बढ़ती भी नजर आती है तो आप उसको पॉजिटिव लें, और अगर सेगमेंट की लेंथ घटती भी नजर आती है तो आप उसको नेगेटिव लें। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कराएगा। अगर ये सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है तो यू जस्ट टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव, तो आपने लिखना है +4। फिर आप बताएं ये दोनों पॉइंट का क्या मामला है। यस जीरो वेरी गुड, दोनों का जीरो है। वैसे जीरो हमको जीरो लिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ प्रैक्टिस में है हम लोग, इसलिए मैं जीरो जीरो लिख रहा हूँ। जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दें उसको, लेकिन चलो ठीक है फिर भी लिख देते हैं। अच्छा अब ये वाला पॉइंट क्या कहते हैं, तो देखो ये पॉइंट बेसिकली बी ब्लॉक के साथ अटैच है, अगर बी ब्लॉक मूव कर जाता है तो ये पॉइंट भी मूव करेगा, करेक्ट है। अगर बी ब्लॉक नीचे चला गया तो ये नीचे जाएगा, बी अगर ऊपर गया तो ये ऊपर जाएगा। अब हमें पता नहीं है कि बी कहां जाने वाला है, तो हम बस ऐसे ही लिख देते हैं वी बी, हमें पता नहीं है इसलिए हमने लिखा वी बी इस पॉइंट के लिए, वो प्लस भी बी के वीबी साथ है, वीबी प्लस इस वीबी पॉइंट के लिए जीरो, इस जीरो पॉइंट के लिए जीरो, जीरो वेरी गुड। जीरो ये दोनों पॉइंट्स के लिए इधर और इधर वाला, वीबी वेरी गुड, वीबी प्लस बहुत बढ़िया, प्लस वीबी वीबी प्लस प्लस वीबी, और वीबी लास्ट में जो रूफ के साथ कनेक्टेड है पॉइंट फिक्स्ड, वो तो फिक्स्ड ही है तो मूव नहीं करेगा, जीरो इज इक्वल टू फाइनली जीरो हो गया। तो हमने देखा यहां पे बच गया 4 + 4 VB इज इक्वल टू जीरो, विच इज 4 VB इज इक्वल टू -4, विच विल गिव अस VB इज इक्वल टू -1 m/s। अब -1 का मतलब ये है कि VB ब्लॉक बेसिकली जा रहा है ऊपर, तभी तो ये माइनस आया, मतलब कि ये पॉइंट ऊपर खिसकेगा और इस सेगमेंट की लेंथ को ये डिक्रीज कराएगा। सिमिलरली ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, ये सेगमेंट कम होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट्स भी ऊपर जाएंगे और ये दोनों सेगमेंट्स भी अपनी लेंथ में कम हो जाएंगे। अब वैसे तो हमसे बस इतना ही पूछा गया था ना कि भाई वेलोसिटी ऑफ बी निकालो, प्लस माइनस का कोई इसमें उतना खास आंसर करने की जरूरत नहीं है, बट बस हमें इतना समझना है कि ये 1 m/s से मूव करेगा एट द एंड। समझ आ गई बात? यस यस चलिए अब सर इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस मैं आज आपको इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इसमें हम कंस्ट्रेंट मोशन में एक और लेक्चर लेंगे जिसमें और ज्यादा अलग तरीके के ट्रिक्स आपके सामने हम रखेंगे। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ एक नया ट्रिक, कुछ ना कुछ एक नई कंडीशन हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स सी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हाट इज द केस। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अब ये काफी ऐसा बड़ा सा अरेंजमेंट हमको गिवन है,
जिसमें ये जो बड़ा ब्लॉक है ए, इट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर पुलिस के थ्रू इसको अटैच किया गया। यहाँ पे एक फिक्स्ड हम कह सकते हैं कि एक नेल वगैरह है जिससे हमने इसको टाई किया है स्ट्रिंग को, और फिर उससे बी अटैच है। आप देखो पहले एक पॉइंट चेक करो कि एक ही स्ट्रिंग यूज हो रही है या मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, तो हम आसानी से देख पाते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग है। एक ही स्ट्रिंग है। सिंगल स्ट्रिंग अगर है तो हम उसमें पॉइंट लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं, कीप इन माइंड, है ना। आपने बोला था ना भाई कब यूज करें, तो उसका ये एक सिंपल सा अप्रोच होता है, सिंपल सा तरीका होता है कि आप देखें सिंगल स्ट्रिंग है पॉइंट लगा दें आप। अब आइए एक 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 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ लेते हैं, ये तो फिक्स पॉइंट है, फिर यहाँ ले लेते हैं, फिर यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ एक लेते हैं, फिर यहाँ एक लेते हैं, और फाइनली यहाँ एक लेते हैं। अब आप अप्रोच करो, ट्राई करो, देखो क्या होता है, थिंक ऑन इट, अटेम्प्ट करो जरा इसको। बड़ा आसान है, कहीं से भी शुरू करो, चलो यहां से शुरू करते हैं। अब जहां पे मैंने फिलहाल उसको होल्ड किया है वो तो जीरो है, फिक्स पॉइंट है, वो कहीं नहीं जा रहा, सही है ना बात, ये तो जीरो है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये ब्लॉक ए के साथ अटैच है, अब ब्लॉक ए आगे जाएगा तो ये पॉइंट भी आगे जाएगा, और अगर ये पॉइंट आगे जाता है तो ये इतनी सेगमेंट को इंक्रीज करा रहा है, लेंथ को इंक्रीज करा रहा है ये सेगमेंट की लेंथ, क्या कहते हो? प्लस वी ए, प्लस वी ए मतलब 10, देखो ना 10 प्लस 10। अच्छा इस पॉइंट के बारे में क्या आंसर है आपका, ये वाला पॉइंट माइनस 10 प्लस 10, हाउ कम माइनस, ये भी तो इस ब्लॉक के साथ अटैच है, अगर ये आगे जाएगा तो ये भी पॉइंट आगे जाएगा साथ में, और अगर ये पॉइंट साथ में आगे जाएगा तो इस सेगमेंट की लेंथ को ये इंक्रीज करा रहा है, सोचने वाली बात है, कैसा लो? यस अच्छा अब यस ये पॉइंट, अब इस पॉइंट में यहां इस वक्त मैं एक लॉजिकल बात कर सकता हूं कि ब्लॉक ए अगर आगे जाता है तो ये पुली अरेंजमेंट के थ्रू ब्लॉक बी भी इसी तरीके से आगे ही जाएगा, पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता इस। तो ये पॉइंट जो भी बी ब्लॉक की वेलोसिटी यहां पे डेवलप हो सकती होगी उसी से मूव करेगा, तो यहां पे आपने ख्याल करना है कि ये सिर्फ वीबी नहीं है, आप यहां पे गारंटी के साथ बोल सकते हो ये माइनस वीबी है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अगर आगे आता है तो ये इस सेगमेंट की लेंथ को शॉर्ट कर रहा है, कम कर रहा है, सही है बात? यस सर। इस वाले पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, ये वाला पॉइंट, ये भी बी के साथ अटैच है, अगर बी ब्लॉक आगे मूव कर गया तो ये पॉइंट माइनस वीबी, यस माइनस इस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज कराता है तो ये भी हो जाएगा माइनस वीबी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, यहाँ अब इस पॉइंट पे प्लस टेन, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा प्लस 10 क्योंकि वो लेंथ को इंक्रीज करा रहा है, ये सब मिला के हम बोलेंगे जीरो, एडिशन करें ठीक ठाक तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2 वी बी इज इक्वल टू 30, देयर फोर वी बी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। यस अब यहाँ पे 15 हमको डायरेक्ट मिला, नेगेटिव 15 नहीं मिला क्योंकि हमने ऑलरेडी वीबी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव मेंशन कर ली थी, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव मेंशन करते अनजाने में या हमें पता नहीं है इस तरीके से सोचते हुए तो डेफिनेटली हमारा ये वाला आंसर नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव आता, ठीक हो रही है बात? यस सर। ओके एक और इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और अक्सर आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। ओके सर, मिलेंगे। Let's see this. Find the relation between the acceleration of the given three block arrangements. तो यहाँ पे हमारे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ब्लॉक्स हैं। अब मैं ये आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। पुली वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता है जो हमने कल सीखा था, और पॉइंट वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता है जो अभी भी हम सीख रहे हैं। पॉइंट वाले मेथड से इसलिए सॉल्व हो सकता है क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग ही कनेक्ट की गई है तीनों ब्लॉक के साथ, तो आप इजीली इसको पॉइंट वाले मेथड से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से ले सकते हैं आप इसको। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाला मेथड या पुली वाला मेथड आपको मैं बता दूं, चलो बिल्कुल सिंपल मेथड आपको बता दूं। देखो ये सिंगल पुली नीचे जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, A3। यानी कि A3। आप कह
सकते हो कि पुली का एक्सेलरेशन A3 माना जाए। फिर ये मान लो एक ब्लॉक एक्सेलरेशन A1, ये मान लो दूसरा ब्लॉक एक्सेलरेशन A2, तो ये बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट हो गया जैसे हमने यहां पे किया, पुली का एक्सेलरेशन, एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ऐसा ही अरेंजमेंट है, लेकिन उसको जो है एक दूसरा शेप दिया गया है। पुली भी मूव कर रही है, दोनों ब्लॉक्स भी मूव कर रहे हैं। अगर सोचे हम तो फौरन आंसर कर सकते हैं इसको, तो बताओ तो क्या आंसर लिखना चाहिए। A3 इज इक्वल टू बिल्कुल टू, बिल्कुल, मतलब एक दो सेकंड में ही आंसर क्लिक कर जाना चाहिए हमको, क्योंकि ये वैसा ही अरेंजमेंट है जैसा हमने यहां पर कल सीखा था, जिसमें पुली का मोशन भी है और दोनों ब्लॉक्स का भी मोशन है, और पुली और दोनों ब्लॉक्स का मोशन अगर एक साथ होता है तो ये रिलेशन है हमारे पास, ये वेलोसिटी के प्रोस्पेक्टिव में, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के प्रोस्पेक्टिव में, और ये एक्सेलरेशन के प्रोस्पेक्टिव में। तो ये देखें आगे आंसर, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक शॉर्टकट अप्रोच में, 2 times of A3 इज इक्वल टू A1 plus A2। चलिए, अब अगर इस बात से आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं, सर उतना नहीं समझा, ठीक चलो कोई बात नहीं, पॉइंट लगाना शुरू करो। यहां पे एक पॉइंट लगा, यहां एक पॉइंट लगाते हैं, यहां भी एक पॉइंट लगाते हैं, यहां एक पॉइंट लगाते हैं, यहां भी लगा लेते हैं, ठीक, यहां पर एक पॉइंट लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को रेफर करते हैं, और यहां भी लगाते हैं, तो टोटल वैसे तो हमने काफी सारे पॉइंट्स देख लिए, काउंट कर ले टोटल कितने हो रहे हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हर एक पॉइंट को रेफर करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर, हर एक पॉइंट को रेफर करें। जैसे इस वाले पॉइंट को सोचो आप, ये तो जाने वाला है आगे, तो क्या ये इस सेगमेंट की लेंथ को घटाएगा? यस सर। आंसर आएगा -7। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कहीं नहीं जा रहे हैं, बिकॉज दे आर विद द फिक्स पुली। अब ऐसे स्ट्रिंग के रेफरेंस में नहीं सोचने का, मैं बता रहा हूं आपको, स्ट्रिंग के रेफरेंस में नहीं सोचने का, सर ये स्ट्रिंग तो आगे जा रही है तो पॉइंट आगे जा, ऐसे नहीं सोचना आपने, बस उस लोकेशन के बारे में ध्यान देना है, ये लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, ये लोकेशन तो आगे आने वाली है ना, ये लोकेशन चेंज हो जाएगी, ये लोकेशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो इस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा इन दोनों के लिए? जीरो, जीरो, दोनों के लिए जीरो लिखना है, एक ही बार लिख देता हूं, इक्वेशन लंबी चौड़ी नहीं करना हमको। अब आते हैं इधर नीचे, ये पॉइंट बेसिकली पुली के साथ अटैच है और ये पुली M3 के साथ अटैच है और M3 जा रहा है नीचे की तरफ, तो आप सोचें अगर M3 नीचे की तरफ जाता है तो ये साथ में पॉइंट भी लोकेशन चेंज करके यहां आ जाएगा, मतलब पॉइंट इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? प्लस पॉजिटिव। वेरी गुड, कोई एक आंसर दे दे काफी हो जाएगा, मतलब मल्टीपल आंसर्स की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फिर हमारा जो डेटा यूज है वो बच जाता है। तो +A3 हो गया। अच्छा ये भी +A3, ये भी +A3 हो जाएगा, वेरी गुड, +A3। फिर जाते हैं ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा। फिर जाते हैं इधर, तो इस पॉइंट को रेफर करें, ये पॉइंट आगे की तरफ खिसकने वाला है, मतलब ये सेगमेंट की लेंथ को ये कम कर रहा है, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -A2 -0। आप इसको ठीक ठाक करके लिखो, आप तो देखोगे -A1 plus 2 times of A3 -A2 इज इक्वल टू जीरो, विच आई कैन सिंप्लीफाई 2 times of A3 इज इक्वल टू A1 plus A2। अब ये वही रिलेशन है जो हम डायरेक्ट पुली मोशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक हो रही है बात? आ रहा है समझ में पॉइंट मेथड कैसे हैंडल करने? यस सर। आओ एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम के रेफरेंस में आप इस चीज को करने की कोशिश करें। यहां देखें, अब दिखने में काफी लंबा चौड़ा बड़ा, आप इसको अटेम्प्ट करें। एक सिंगल बात याद रखें, किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था ना सर पॉइंट मेथड लगाना कब है, क्योंकि हमको तो काफी सारे प्रॉब्लम्स, काफी सारी वैरायटी आएगी, अब कल कुछ और पढ़ रहे थे, अगली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, आज जो हम सीख रहे हैं उसमें तो पॉइंट मेथड सीख रहे हैं, तो फिर पॉइंट मेथड लगाना कब है?
सिंपल सी बात याद रखो, सिंगल थ्रेड में अगर वर्किंग हो रही है, सिंगल स्ट्रिंग में अगर वर्किंग हो रही है, फिर वो कितनी भी पुलिस के थ्रू पास हो रही होगी और कितने भी ब्लॉक्स में अटैचमेंट रखा गया होगा, उसका टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देना वहां पर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखो आप ध्यान से। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन फॉर द गिवन पुली ब्लॉक सिस्टम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन निकालो। वैसे जो रिलेशन एक्सेलरेशन का आएगा वही रिलेशन वेलोसिटी का आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, आप उसको इजीली कर सकते हो। यू कैन जस्ट ट्राई, अटेम्प्ट करें इसको आप। कर सकते हैं, देख लें ध्यान से, पॉइंट लगाएं। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको हेल्प करता हूं, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन बनाएं। चलिए मानते हैं कि ये वाला जो है ना ए बी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और ये अगर आगे जाता है, ये वाला ब्लॉक अगर आगे जाता है, तो श्योरली इस सिस्टम को आगे ही जाना पड़ेगा। ये ए ब्लॉक पीछे तो जाने से रहा, ये हो ही नहीं सकता कि ये पीछे जाए। तो ये मान के चलते हैं कि ये ए ए इस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ आता है। अब आप लगाएं इस पे पॉइंट, बिल्कुल जीरो से यहां से शुरू करें। ये एक हो गया, ये दो, ये वाला तीन, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और ये फाइनली टेन। शुरू करें, आप इसको फौरन ही बता सकते हो, कोई खास बात नहीं है। शुरू करें काम करना। यहां से शुरू करते हैं, इस जगह से। तो ये तो जीरो है, जीरो। अब आप थोड़ा सा जनरलाइज कर दो इसको, जल्दी सॉल्व कर लो। देखो वन टू थ्री फोर, ये चारों के चारों पॉइंट्स, इनफैक्ट ये पांच, ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारे फाइव पॉइंट्स किससे अटैच है? बी। और बी जा रहा है आगे, बी जा रहा है आगे, तो इसका मतलब ये सारे के सारे फाइव पॉइंट्स थोड़ी देर के बाद हमको आगे दिखेंगे। मतलब ये इन सेगमेंट्स को, अपने अपने सेगमेंट्स की लेंथ को इंक्रीज कराने की टेंडेंसी रख रहे हैं, करेक्ट है? ये सुनो, ये इस सेगमेंट को इंक्रीज करा रहा है, ये सेगमेंट को इंक्रीज करा रहा है, ये सेगमेंट को इंक्रीज करा रहा है, ये सेगमेंट को, और ये वाला इस सेगमेंट को, करेक्ट है? आया ना, जल्दी बोले। यस 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 सर। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम एक ही साथ इसको डायरेक्टली फाइव टाइम्स ऑफ ए बी लिख दें? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस, इतनी बार करने क्या है, सीधा सीधा फाइव, बात खत्म। अच्छा अब बचे ये फोर पॉइंट्स, ये वन टू थ्री फोर, ये सारे के सारे ए से अटैच है, और ए जा रहा है आगे, ए अगर आगे खिसकता है तो ये सारे पॉइंट्स भी आगे खिसेंगे, मतलब ये अपनी अपनी इन स्ट्रिंग्स की सेगमेंट्स की लेंथ को घटा रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। माइनस, तो एक ही माइनस फोर ए, माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए, माइनस फोर ए, सब मिला के होना चाहिए जीरो। द इक्वेशन इज ट्रू फॉर वेलोसिटी, द इक्वेशन इज ट्रू फॉर एक्सेलरेशन, द इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस, बस खत्म। क्या बचा? 5ab is equal to 4aa, done, हो गया खत्म। आपको अगर इंडिविजुअल आंसर्स चाहिए, जैसे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, तो आप लिख लें 5 बाई 4 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, तो आप इंडिविजुअली लिख लें 4 बाई 5 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, काम खत्म हो गया। समझ रहे हैं बात? यस सर। अब किसी ने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा, हाउ टू लाइक, क्वेश्चन देखो क्या था सर, प्लीज क्लेरिफाई मी ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अरे भाई दिख रही है एक स्ट्रिंग, ये 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 टूट के दो हुई क्या, कहीं टूट के दो हुई क्या? अच्छा चल अब ठीक है, इस पे थोड़ा सा फोकस कर ले, तुझे समझ आ जाएगा। देख इस पे फोकस कर ले, ये सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, देखा, देखो ध्यान से, ये सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, इट कैन नॉट बी,
साफ साफ दिख रहा है, दो स्ट्रिंग अटैच है, एकदम क्लियर विजिबल है। अरे हाँ या ना, यस सर, देखो यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रिंग आ गई खत्म, फिर ये जो अगला सेगमेंट है तो अलग है, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो अब यहां पे पॉइंट मेथड नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा पॉइंट मेथड, यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक एक सिंगल स्ट्रिंग कनेक्शन में है तो आप उस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट अज्यूम, मतलब लेंथ के कांस्टेंट होने को अज्यूम कर रहे हो, और फिर उसके बाद अपनी स्टोरी आप लिखते जा रहे हो कि टोटल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, टोटल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को जोड़ो घटाओ तो जीरो हो जाए। लेकिन ये तो शर्त, एक कंडीशन है ना, स्ट्रिंग एक होनी चाहिए, स्ट्रिंग एक सिंगल होगी तभी तो आप बोलोगे कि उसकी लेंथ कॉन्स्टेंट है। अगर वो ब्रेक होके दो अलग पार्ट्स में, तीन अलग, मल्टीपल अलग पार्ट्स में यूज की जा रही है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट मेथड नहीं चलेगा तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब ये तो टफ हो गया, ये काफी टफ हो गया। अब एक सिंपल लॉजिक यहाँ पे दिखता है अपने को, अब बात से बात निकली तो प्रॉब्लम आ गया, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक सिंगल लॉजिक या सिंपल, सॉरी आई में से एक सिंपल लॉजिक हमको यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ एक साथ ये दोनों मैट्रिक्स अटैच है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ये जा रहा है नीचे, ऐसे सोचते हैं ये पूरा सिस्टम जाएगा नीचे, तो ऑब्वियस बात है इसको कनेक्टेड रहने की वजह से ये मास m1 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हो सकता है कि इस मास m1 के ऊपर जाने का एक्सेलरेशन a1 है, और उसी तरीके से पुली के नीचे आने का एक्सेलरेशन भी a1 होगा, इतना तो कॉमन हो सकता है, यस और नो? बात की बात बाद में, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि अगर ये ब्लॉक A1 से ऊपर गया तो ये पुली A1 से नीचे आई, दैट्स इट। अब आप सिर्फ इस नीचे वाली पुली पे फोकस करें, बाकी किसी चीज पे नहीं, बस सिर्फ इस पुली पे फोकस करें, ओके। अब इस पुली में ये ब्लॉक ऊपर जाए, ये ब्लॉक नीचे आए, कुछ भी करे, कोई कहीं भी जाए, चलो इसका एक्सेलरेशन मान लो ऊपर जाने नीचे जाने का जो भी है A2 है, इसका एक्सेलरेशन A3 है, लेकिन एक बात तो आप समझ लो कि ये पूरा सिस्टम जा रहा है नीचे, एक बात समझ लो पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, वो नीचे जाते जाते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हाथ पैर मार रहे हो, बात और है, समझे ना बात को? हाँ हाँ यस सर। अगर मैं यहां डायरेक्टली ऐसे लिखूं, डायरेक्टली, तो किसी को कोई चौंकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, यहां चौंकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं दोहरा रहा हूं ये बात, बिल्कुल नहीं चौंकना चाहिए आप, ये इस बात पे आपने सरप्राइज नहीं करना चाहिए कि सर ये कहां से आ गया फॉर्मूला, बेटा ये पुली मूव कर रहा है याद करो, और अगर पुली मूव करता है और उसके साथ कोई अटैच्ड ब्लॉक्स भी आपस में मूव कर रहे हैं, इंटरनल मोशंस उनका हो रहा है, तो हमने एक ऑलरेडी रिलेशन एस्टेब्लिश किया है, ये रहा वो हमारा रिलेशन, बिल्कुल शुरुआत में हमने देखा, कल भी हमने इस पे बात की थी, करेक्ट हो गया? यस सर, यस सर। तो बिल्कुल आसानी से हम इस चीज को आंसर कर पाते हैं, है ना। अब यहां पे हमने दो कंसेप्ट को जोड़ दिया, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सीखा था कि मोशन ऑफ द पुली अलोंग विद द मोशन ऑफ ब्लॉक्स, उसको कैसे हैंडल करें, सिर्फ उतना सेगमेंट मैंने आपको सिखाया था। अब आज ये सारे सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन में क्या हो गया, वो सेगमेंट जो हमने कल सीखा था उतना आर्टिकल प्लस एडिशनल जोड़ दिया, बात समझे? हाँ समझा। एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक और सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे आप आंसर डेवलप करने की कोशिश करें, ये ऐसे मैं आपको बना के दे रहा हूं। ओके ठीक है सर। सपोज इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट है और माइक अपना जो है ऑफ रखें प्लीज, ये स्प्रिंग अटैच है, यहां पर हम एक पुली ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी में यहां पर हम एक पुली लेते हैं, ये पुली फिक्स करवा देते हैं, और उसके बाद यहां से नीचे एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक ही सिंगल ब्लॉक, इनफैक्ट चलो और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसके नीचे एक और एक ब्लॉक, दिस इज ए, दिस इज बी।
अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई बी जा रहा है नीचे लाइक दिस विथ एन एक्सेलरेशन ए बी, और एक्सपेक्टेड है कि ए ऊपर जाए विथ एन एक्सेलरेशन ए ए, फाइंड आउट द रिलेशन, इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताओ। तो नोटिस करो कि ये एक सिंगल स्ट्रिंग अरेंजमेंट है, सिंगल स्ट्रिंग, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है तो सिंगल स्ट्रिंग। देखा, तो सिंगल स्ट्रिंग अरेंजमेंट में आप सीधे सीधे लगाएं पॉइंट, ये पॉइंट इधर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। व्हाट यू हैव टू से अबाउट पॉइंट ए? जीरो। सपोज टू से पॉइंट हियर, पॉइंट नंबर टू एंड थ्री, माइनस ए, पॉइंट नंबर टू एंड थ्री, पॉइंट नंबर टू एंड थ्री आर विथ ए, ए इज मूविंग अपवर्ड, इफ ए इज मूविंग अपवर्ड दिस पुली इज मूविंग अपवर्ड्स, माइनस ए, माइनस ए, माइनस ए, वेरी गुड, दीस पॉइंट्स शॉर्टन द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट्स, ये इन सेगमेंट्स की लेंथ को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लिखना होगा माइनस ए के साथ में, लिख दो बेटा दोनों बार, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही शॉर्ट कर रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? जीरो, बहुत अच्छे, बढ़िया, वेरी गुड। अब लास्ट में आ जाता है ये वाला पॉइंट तो आ रहा है नीचे, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है, प्लस बी, प्लस ए बी, प्लस ए बी, सब जोड़ घटा के जीरो। तो फाइनल आंसर ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए ए, दैट्स इट, गॉट योर आंसर, खत्म हो गई बात, समझे ना? यस सर। क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देता हूं, आपने इसको ट्राई करना है, अच्छे से ट्राई करना है आपने इसको। ये फिक्स्ड सपोर्ट, इससे मान लो हमने एक ही पुली अटैच कर दी, यहां पे एक ब्लॉक लगा देते हैं ए, ये सिस्टम आता है नीचे, फिर यहां एक पुली लगा दी हमने, इससे एक ब्लॉक अटैच कर देते हैं बी, और ये दूसरा एंड लाते हैं फिक्स पॉइंट पे, दूसरा एंड लाते हैं फिक्स पॉइंट पे। बस ऐसे सोचेंगे ये जा रहा है ऊपर, तो दो एक्सेलरेशन डेवलप होंगे, एक होगा ए ए और दूसरा होगा ए बी, तो आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। अब मैं हिंट दे दूं आपको कि इस सिस्टम को देखो और इस सिस्टम को देखो, ये वाला बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये वाला देखो और ये वाला देखो, आइडेंटिकल है, लेकिन यहां पे पॉइंट मेथड नहीं लगेगा, ये एक स्ट्रिंग आ गई यहां खत्म हो गई, फिर यहां दूसरी स्ट्रिंग शुरू है, तो पॉइंट मेथड नहीं लगेगा। अब इतना समझ लो कि अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये पूरी पुली नीचे जा रही है, पूरी पुली अगर नीचे गई तो पुली के मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टू, कर सकते हो? यस सर। ओके, तो आपने इसको अच्छे से ट्राई करना है, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से आपने इसको ट्राई करना है, क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो ये है कुछ सिंपल अप्रोच जो हम पॉइंट मेथड के लिए, सॉरी पॉइंट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसकी अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम टेंशन बेस्ड मेथड से समझने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? अभी आज मैंने आपको टेंशन से रिलेटेड कोई ज्यादा ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, अब यहां मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको बता दूं कि टेंशन मतलब यहां पे क्या है। तो देखो, ये जो थ्रेड्स अटैच हैं, ये जो स्ट्रिंग्स अटैच हैं, इनमें टेंशन आता है ना, ये तनेंगे ना, ये टेंशन की वजह से तन जाएंगे। हाँ, दो ये एक्सटेंशन नहीं होगा, इनका एलोंगेशन नहीं होगा, इनकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनके अंदर तनाव जरूर आएगा, इनके अंदर टेंशन जरूर आएगा, ये स्लैग नहीं करेंगे, और कोई भी धागा कभी भी स्लैग नहीं करेगा, याद रखना,
ठीक है, कोई भी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम जब हम हैंडल करेंगे ना, तो उसमें दो तीन बातें आपने अच्छे से याद रखनी है कि पुलीज हमेशा मासलेस होंगी, फ्रिक्शनलेस होंगी, थ्रेड्स या स्ट्रिंग्स जो है वो वेटलेस होंगे, उनका भी कोई मास नहीं होगा, वो इन इन इलास्टिक होंगे, मतलब आई मीन टू से उसका कोई इलॉन्गेशन वगैरह नहीं होगा, और साथ साथ वो कभी स्लैग नहीं करेंगे, ऐसे लूज नहीं पड़ेंगे, वो हमेशा तने में ही रहेंगे, क्योंकि मोशन ही उसी तरीके से कराना है हमने, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर वो स्ट्रिंग स्लैग कर जाती है, टूट जाती है, तो कहानी खत्म, कोई इक्वेशन लिख ही नहीं पाएंगे फिर। तो एक और अप्रोच होता है, उसे हम कहते हैं टेंशन बेस्ड अप्रोच। टेंशन के थ्रू कैलकुलेशन करना कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, या वेलोसिटी कितनी आ रही है, या एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। नाउ एट द एंड मैं आपको एक बात बता दूं लास्ट में, कि ये जो भी रिलेशन हमने यहाँ पे लिखी, चाहे वेलोसिटी के लिए चाहे एक्सेलरेशन के लिए लिखी, ये सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। मतलब अगर इस सिस्टम में मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ए बी और ए ए, यानी कि ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, तो आप लिखोगे एक्स बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स ए। वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो तो आप बोलोगे वी बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वी ए। ऐसा सभी जगह अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ए हटाओ, वी लगाओ, वी हटाओ, एक्स लगाओ, कोई कुछ फर्क नहीं, सबसे गेटिंग इट राइट। यस, क्लियर हुई सारी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। इतना काफी है? यस सर। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही आज डिस्कशन करना चाह रहे थे, होपफुली कमिंग क्लास में हम दूसरे अप्रोच की तरफ ध्यान देंगे, एक और नए अप्रोच की तरफ अटेम्प्ट करेंगे कि कंस्ट्रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आते हैं तो हम उसे और किस तरीके से शॉर्टकट और इजीएस्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकें। ठीक है, रुक जाते हैं।